देश के अशांत क्षेत्रों में लगा अफ्स्पा कानून विवादों में फंसा हुआ है और इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है, जिसे सेना और सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देखें ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर से अफ्स्पा कानून हटाए जाने की मांग लगातार उठ रही है और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अफ्स्पा को लेकर तीखा हमला बोला है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिन क्षेत्रों में अफ्स्पा लागू है वहां सेना या पुलिस ज्यादा हिंसक ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेना को बड़ा झटका देते हुए मणिपुर में अब तक के 1528 फर्जी मुठभेड़ों की भी जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मणिपुर में हुई कई मुठभेड़ों में मारे गए लोगों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, अफ्स्पा के तहत सशस्त्र बलों को असंवेदनशील इलाकों में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की पहले पूरी छूट थी, जो अब नहीं मिलेगी। जब तक यह पता नहीं चल जाए कि ये मौतें वाजिब मुठभेड़ों या उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान हुई है, रक्षा बल की रूल बुक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह साफ साफ लिखा है। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बीते दो दशकों में हुई इन मुठभेड़ों की जाँच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। वैसे पूर्वोत्तर में अफ्स्पा कानून लोगों के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है, जिसे हटाने की मांग को लेकर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस मांग को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला मणिपुर में पिछले 16 सालों से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अफ्स्पा कानून है क्या। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट देश के अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेष अधिकार देता है। इसके तहत सेना लोगों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। भारत में संविधान की बहाली के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में वर्ष 1958 में अफ्स्पा लागू किया गया। 1972 में कुछ संशोधनों के साथ इसे लगभग पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लागू कर दिया गया। 80 और 90 के दशक में पंजाब और कश्मीर में भी राष्ट्र विरोधी ताकतों को नष्ट करने के लिए अफ्स्पा के तहत सेना को विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन अफ्स्पा की वैधता पर समय समय पर मानवाधिकार संगठन, अलगाववादी और राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून से प्रभावित इलाकों के नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है। साल 2005 में जीवन रेड्डी कमेटी और वर्मा कमेटी ने भी अपनी रिपोर्टों में सेना और सुरक्षा बलों पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे और साथ ही अफ्स्पा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे रक्षा मंत्रालय और सेना ने असहमति जताते हुए सिरे से नकार दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेना और सरकार दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार सालों से अफ्स्पा हटाए जाने की मांग पर क्या कदम उठाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।